गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वेस्टेज प्राइम सीएमडी की डेमो करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास आज सेटअप में है बल्ब, वाटर, सीएमडी एंड टू वायर्स। तो अब हम इनसे डेमो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये बल्ब रखा हुआ है इसमें करंट है या नहीं। तो ये हमने स्विच ऑन किया और वायर्स को किया टच और हम देख रहे हैं कि इसमें करंट है या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बल्ब में करंट फुल अवेलेबल है। तो जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं कि सच में वाटर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या नहीं। जैसा कि हमने देखा वायर्स को टच करने से बल्ब जल रहा है और अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम इन वायर्स को वाटर में डिप करेंगे तो क्या बल्ब जलता है या नहीं। तो ये हमने ये डिप वाटर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने वायर्स को वाटर में डिप कर दिया है बट बल्ब अभी तक नहीं जला क्योंकि इस वाटर में मिनरल्स नहीं है। तो अभी हम ये बल्ब जलाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेस्टेज प्राइम सीएमडी। ये हमने सीएमडी की वन ड्रॉप डाली और आप ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही ड्रॉप से ये बल्ब इतने अच्छे से जल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये वाटर मिनरलाइज्ड हो चुका है। तो जो आपने डेमो में देखा ये हमने वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर का वाटर यूज किया है, इसमें सीएमडी की ड्रॉप डालने से ये वाटर मिनरलाइज्ड हो गया है। तो कई केसेस में आप ये देखेंगे कि नॉर्मल वाटर से भी ये बल्ब जगेगा बट उसका मतलब ये नहीं कि वो वाटर पीने लायक होगा। उस वाटर में मिनरल्स तो होंगे ही बट उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी। सीएमडी वाटर को मिनरलाइज तो बनाती है, इसके साथ साथ ये वाटर को एल्कलाइन भी करती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी बॉडी एसिडिक नेचर की हो गई है बट सीएमडी को यूज करने से ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगा और बहुत और से भी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। वेस्टेज सीएमडी से रिलेटेड और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो ठीक है, सीधा ऐसे सामने देख, सीधे रहना, ठीक है। पता लगे कि मैं भर पाया, काफी पाया ना, इस तो ज्यादा ना पता हो यार। ये चल पाओ पाया सीएमडी जो इंजेक्शन होगा ना, इंजेक्शन 3 सेकंड में काम करना शुरू कर देता है। लिक्विड जो होता है मतलब जो सिरप होता है वो विद इन 15 सेकंड में काम करना शुरू करता है। सॉलिड्स वो विद इन 15 मिनट के बाद काम करना शुरू करते हैं। जो खाना होता है हमारा वो 45 मिनट के आसपास काम करना शुरू करता है। वो क्योंकि खाना जो हमने खाया भी वो पहले जाएगा, रोटी हमने एक्सट्रैक्ट होंगे, अलग होगा सारा मटेरियल, अलग होगा विटामिन मिनरल, अलग होगा काम करना शुरू। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी इंजेक्शन और सिरप के बीच में जो टाइमिंग होती है वो उसमें काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम तो होना था। अब देखना मैंने पहले पैर उठाए नहीं थे, इस बार उठाऊंगा। वेरी गुड, ग्रेट, यू बिकम अ ह्यूमन।